आज तकरीबन महीने डेढ़ महीने के बाद हमारे घर में बनने लगा है ग्रेनोला। फिर से शहजाद को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन शहजाद तो माशाल्लाह फिर रोज ही खाते हैं ना। तो ये साथ में अखरोट हैं और आमंड्स हैं और साथ में ये रोल्ड ओट्स हैं। ये ओट्स देख लें, ये वाले होते हैं रोल्ड ओट्स। कौन आया, इसको भी चेंज कर लाना है। कौन आया, इनको मैं टोस्ट करने लगी हूँ। सोनिक, ये सुपर सोनिक। ओके, लेट मी फिनिश माय वर्क देन लेट्स गो आउट। ओके, तो अब इसमें मैंने डाला है बटर और ये ब्राउन शुगर हनी, और इसको बस मैंने मिक्स कर लेना है, इसको पकाने की जरूरत नहीं। ये हो गई सारी मेल्ट, अब इसको मैं जल्दी जल्दी मिक्स कर लेती हूँ। बस इतना सा काम है, बस ड्राई कर देना है इसको। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये वाले पम्पकिन सीड्स और साथ में क्रैनबेरी, इतना प्यारा कलर है। इसको भी बस मैं मिक्स कर लूँगी और रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर मैं इसको मेसन जार्स में या किसी भी बॉटल में पैक कर लूंगी। हम माशाल्लाह से हमारे सैटरडे का आगाज हो चुका है और मिशी एज यूजुअल अपने टॉय से खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। और ते हम ही, आपका ये ब्रेकफास्ट है? यस। हाँ, ते हम ही का स्क्रैम्बल एग है, बाबा ने उसको बना दिया और बाबा खुद खाने लगे हैं फ्राइड एग एंड योगर्ट। और मैं क्या खाने लगी, मुझे थोड़ा सा ना अब जरा वेट कंट्रोल करने का जुनून चढ़ा है, तो एक से दो दिनों में मैं आपसे अपना आइडिया शेयर करूंगी, क्योंकि मैं ना बाद में बताती हूँ चलें कि मैं क्यों वेट लूज करने लगी हूँ, क्या हो गया मुझे। अच्छा, ये है जी मेरा, ये सिर्फ इसमें एग वाइट्स है और साथ में ये थोड़ा सा मैं वेजिटेबल्स लेने लगी। ये है मेरा ब्रेकफास्ट और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। मैं आ गई हूँ अपनी टी लेके और मैं अपने बेबी से खेलने लगी हूँ। ओके, ओपन योर आईज। वाओ, व्हाट इज दिस? आर्मी। आई एम गोइंग टू पुट अ मैसेज। ओके, चलें जब मैं अपने बच्चे से थोड़ा सा खेल लूं। The war is on. No, it says how long you were taking. Oh, tell them I'm sorry. How long you taking? Yeah, I'm going to write something else. ये देखें, ये ग्रो करने शुरू हो गए हैं। ये ना मैंने क्या किया कि इनके ना हेड्स काट के तो थोड़े से पानी में डाल दिए हैं, और दो दिन, आज सेकंड डे पूरा नहीं हुआ है, और ये दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनट्स में ग्रो कर रहे हैं। आज ये देखिए, घंटों में, आपने लास्ट टाइम लिटरली 2-3 घंटे पहले मैंने शराब को दिखाया है। हाँ, आपको करेंगे तो यकीन आएगा मैं झूठे बोल रही हूँ। इधर है क्या कह रहे, मैंने कहा मुझे लगता है ये जैकेट द बीनस्टॉक की फैमिली में से है, किसी से है। वापस आएंगे तो जनाब हमारी सारी बिल्डिंग जो है प्लांट के ऊपर लगी होगी। हाँ, प्लांट के ऊपर लगी होगी। आप तो खुश हो जाए ना कि आपके पास सीड, ये लीव्स होंगे खाने के लिए। भाई मैं डाइट कर रही हूँ तो मुझे जो है ना लीफी ग्रीन्स चाहिए, तो वो मैं इसी तरह ही ग्रो करूंगी। है ना शहजाद, वाकई पत्ते निकल आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी सुबह में इतने, रात को इतना सा था और ये एकदम अभी आ गया। बाय गॉड प्रॉमिस, हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे, है ना। हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे। या आप एक गाजर लेके उसको आप पानी में डाल के देखें तो फिर आपको पता चलेगा मैं सच बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रही। ये मतलब इनसेन हद तक फास्ट ग्रोथ है इसकी। जो प्लांटेशन करते हैं आई थिंक उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, इनकी भी बर्ड्स बनना शुरू हो गई और ये इस तरह खाने अच्छे नहीं होते हैं, ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। तो अब वो टाइम आ गया कि मैं पोटैटोज को फ्रिज में रखना शुरू कर दूं। अले मिला चूना, इतना प्यारा सोनिक बनाया। मुझे अम्मी ने कहा हुआ है कि इसकी ना सोनिक की ड्रॉइंग करते हुए के सामने टीवी में से ऐसे बनाता है और साथ में ये ड्रॉ कर रहा है देख देख के, तो वीडियो बना के भेजो। मेरे ख्याल हफ्ते से ऊपर हो गया, अम्मी को जो है ना मुझे याद नहीं रहा बीच में वीडियो बनानी। मिशू, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू ड्रॉ समथिंग यू नीड टू टेल मी, वी नीड टू सेंड द वीडियो टू अम्मी। ओके, आहा हीरो, चेहरा तो कराए। आहा माशाल्लाह, शूज आप किसके साथ, वही अपने ब्लू वाले पहन लो ना, वो अच्छे लगते हैं। जीन्स के, हाँ वो अच्छे लगेंगे। जब भी ये थे हम ही ये जीन्स पहनता था, मैं इसके पीछे पड़ जाती हूँ कि वो वाले ब्लू शूज पहनो, भी थे हम ही पहनेगा अगर मान जाता बात को, क्योंकि उसको जो कम्फर्टेबल होगा वो वही अल्टीमेटली पहनेगा ना। अगर मान जाता तो फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखे इन्होंने वीडियो बनाया तो यहाँ फेंका, मैं नहीं फेंक के आ रहा, क्या कहा था? मैंने आपसे स्लिप हुआ था। अच्छा, मैंने कहा कि आपसे बात से कुछ जज्जत में रखा। अच्छा, मिशी को मैंने कहा कि यहाँ से अपना सारा मेस क्लीन अप करो, पहले उसकी तिहामी ने हेल्प करा दी, बाकी थोड़ा सा मिशी ने खुद कर दिया। सो बस हम रेडी हैं, जा रहे हैं। मिशी पे हमने रिवील किया कि हम जा रहे हैं स्नो से खेलने। I'm going to a big snow.
snowball on you. Yeah. You'll do what? जाहिया मॉल में ना वो एक है जगह वहाँ पे बिल्कुल एंट्रेंस पे ना वो विंटर सिटी बना हुआ है, तो वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटीज हैं, उधर लेके जा रहे हैं। थैंक यू तिहामी, तिहामी मेरी मेडिसिन ले आया। थैंक यू। व्हाट वर यू सेइंग मिशु? टुडे इज लकी डे, मम्मा एंड बाबा एंड मी दे आर लकी। व्हाट अबाउट यू? हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जी विंटर गार्डन में। आप वैसे भी नहीं जा सकोगे अंडर सिक्स, बाबा को बताओ कि आप नहीं जा सकते इसमें अंडर सिक्स। ये कार्ड हमें मिला है, इसके अंदर बाकी भी चीज़ें हम जो है ना पैसे एंटर करा सकते हैं और जितनी सारी ये राइड्स हैं इसमें से जो भी हो दिलवा सकते हैं। Are you excited? Look at me. Mishu, go in that thing also, okay? Where the snow falls on you, okay? Aha, Mishu. सारा स्नो एरिया, 30 दिरहम्स का टिकट है, 20 मिनट्स इसमें मिलते हैं। मिशु वहां कलेक्ट किए जा रहे हैं सारे के सारे बॉल्स। Go guys, have fun! Go, go, go! Wow! Mishu, was it fun? Wow, Mishu, good job! Oh, yeah, this is fun! ये देखे कितनी प्यारी वो फिश वाली गेम। Oh! Nice, na? वाटर से खेलना हिल ही नहीं रहा यहाँ से। शहजाद प्लीज डू द ऑनर्स, बाबा की बात मानेगा, मेरे साथ और नखरे करता है। तिहामी को हमने कुछ नहीं लेके दिया, तिहामी का हाल क्या हुआ भूख से। ओए मजे मजे का माशाल्लाह, चले एंजॉय। गिर गया कपड़ों पे। टिशू है मेरे पास, चाहिए? आपने कैमरा मेरी तरफ किया, मैं घबरा गया। आपको पता है फिश खाता हूं साथ। हां आज फिश नहीं है। ओ बोलती कि फिश में से 10-15 मिनट लगे, मैंने कहा यार दे दो जो भी है खाने। ओ मिशु ने तो कुछ नहीं खाया, जितनी से भूख लगी थी मिशी ने एक दो फ्राइज खाए, कुछ भी नहीं। और ये है मेरा सैलेड। और फाइनली मैंने अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले लिया। ड्रेसिंग तो डाल ही सकती हूँ ना, थाउजेंड आइलैंड है और कौन सी है शुरू फ्रेंच है ना, तो मेयो वगैरह ही है जिसमें। okay. ये देखिए माशाल्लाह। थे हम ये सारा फिनिश कर जाते, इतनी पसंद है उसको। इस जरा पेप्सी तो परे करो, माशाल्लाह। या आज मैकडॉनल्ड्स से ये मिला मिशी को सुपर सॉन्ग। मेरा खाना आप सारों से लेट आए, लेकिन फिर भी मैंने आप सारों से। आपको भूख बहुत लगी हुई थी ना, मेरा थोड़ा सा रह गया, मैंने इसमें चिकन बचाया हुआ, वो मैं लास्ट में खाऊंगी सॉस के साथ, ड्रेसिंग के साथ। और बस ये मेरी थोड़ी सी लेटस रह गई है और बस मेरा भी खत्म हो जाएगा। व्हाट मिशु? आई डोंट हैव एनी कॉल मम्मा। अच्छा हम लोग इधर आए हुए हैं और सेल्स बहुत अच्छी लगी हुई हैं,
10 dirhams, 30 dirhams, ये RNB पे आई हूँ मैं बाय द वे ना, मुझे लेनी थी अपने लिए फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, अब जो मुझे एक बड़े अच्छे शूज़ लगे थे वो कौन से थे? वो ये वाले थे, ठीक है। और इसमें ये इतनी प्यारी चेन लगी हुई है, और दीज आर ओनली फॉर 40 dirhams, और लेकिन मेरे पास साइज़ नहीं उनके पास है। ये सेल में ना उनके पास वही स्टफ़ पड़ा हुआ है जो उनके पास पेयर्स रह गए हैं, तो वो इसमें ना नहीं मिला। सेम जो है ना, सेम टू सेम मुझे इस तरह की चेन वाला चाहिए था। और मैं जो है ना, मैं लिटरली ट्राई करने लगी सॉक्स उतार के, कई ग्लासेस पकड़ना है ना। अच्छी चेन है, देखिए प्यारा है, इतना अच्छा है ना, सही है शूज। नहीं मुझे ना आगे से ये टो जो है ना, ये देखें इसमें मेरा टो आ रहा है, तो ये अंगूठे वाली जगह काट के ओपन कर देते हैं। अंगूठे वाली जगह काट के ओपन कर देते हैं। नहीं आप लोग बताएं कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा है जूता वाकई। ठीक है, और RNB पे देख लेते हैं ना साइज। अब इस हंट में निकल पड़े, छोड़े पर खैर है। और यार कुछ नहीं होता, गुड्डू ने कभी कभी तो जूती पसंद आती है, पसंद आ गई कसम से। तो यही मैं बोल, देखा यही तो मैं कहता हूँ, गुड्डू को कभी कभार तो जूते पसंद आते हैं। कभी कभार इन्होंने मुझे जाना खराब किया हुआ है, जो पसंद है जूता हर हर मॉल में फिरेंगे कि इसको इसकी मर्जी का मिल जाए। तो ये गलत बात है क्या? नहीं नहीं, गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ। थैंक यू, सिर्फ जूतों के लिए कहा है मैंने। ओके, हाँ जी, कपड़ा स्किन। चलो मिशी थक गया, ये देखें, ये असल में ये दुख मना रहे हैं मेरी चप्पलें लेने पे, ये दुख मना रहे हैं और मुझे कह रहे हैं मैं दूसरे मॉल से ले दूंगा। तो आप बेटा देखो। ओके, वाओ, मिशू इज ट्राइंग टू टाई हिज शू लेस इली ऑल बाय हिमसेल्फ, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, गुड जॉब मिशू। गुड जॉब जी, वो देखो उसको ट्विस्ट किए जा रहे हैं मेरा चूना। ओह गाइस, इली विल डू इट फॉर यू बेटा जी। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, ये भी अच्छे लग रहे थे लेकिन मैंने शहजाद से कहा कि नहीं ये नहीं, उनमें मैं कंफर्टेबल ज़्यादा हूँ। ये वाले जो है ना ग्रीन वाले, ये लिए मैंने, तो ले लो बेटा। हाँ जी, नहीं इसने परफ्यूम कह रहा था, इसने देखना है कोई, देख लो। वाओ, यू लुक स्टाइलिश, या एवरीथिंग इज क्लासिक। स्नो फ्रोजन मेरे लिए ले ली, रियली क्लासिक, यू वॉन्ट दिस, इवन दो इट्स फॉर गर्ल्स बट यू कैन बाय इट इफ यू वॉन्ट। बाय द वे, यू नॉट गेटिंग एनी थिंग मिशू, आई वॉज जस्ट किडिंग, यू ऑलरेडी बॉट अ टॉय। कैसे है ये? क्या स्मेल करें ना, इस पे लगा देती ना मेरी रिस्ट पे, क्या मैं इसको स्मेल कर लूँ? हाँ अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ तो ये ले लो, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, यू कैन नॉट ओपन न्यू बॉक्सेस थे हमें। मिशू अपने कान में स्प्रे कर रहा था। मिशू व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मिशू को सारी स्नो स्नो लगी हुई है, माशाल्लाह से इतने सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, गंदा सा मिशू फिर रहा है साथ में। मम्मा आपने अगर लेना है ना, स्कूल जाए, आप स्कूल जाएंगे ना तब आप ले लें। स्टडी करने के लिए मम्मा को इस तरह की चीज़ बहुत फैसिनेट करती है, लंच बॉक्सेस, बॉटल्स, बैग्स और ये इतने छोटे से पाउचेस। अच्छा है ना, शॉपिंग हो रही है। हाँ तो मैंने ये इसलिए लेना था कि मेरे एक लिपस्टिक और एक मेरा फेस पाउडर इसमें आ गया, लेकिन वो नहीं आएगा। मैं तो आप इस तरह के साइज देख रहे हैं, इस तरह का नहीं, ज्यादा बड़ा बैग नहीं। वाओ, मिशू गॉट दिस हार्ट बैग। वाओ, मम्मा ऐसे करें, ऐसे इसको हग करें और हार्ट बीच में रखें। मिशू लाइक दिस, चेन टेन साइड पे करें, सेव पे। अच्छा, अब हम आ गए क्रिस्पी क्रीम और यहाँ पे डोनट्स जो है ना, नो जस्ट टू पीसेस, दे आर नॉट गोना ईट इट, दैट्स द प्रॉब्लम। हमने ना जमा करके खराब के लिए आते हैं सर में। हाँ, तो जितना है उतने रखते हैं ना, मतलब हाँ जितना सब खाना है उतना। यस मिशू, टेक योर्स, इट्स ओके, कम 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 कम, आ जाओ जी, हैप्पी दोनों।
गए हैं यूनिफॉर्म शॉप पे और ना इसका नाम है थ्रेड्स। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स के यूनिफॉर्म है, उनका कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक हुआ होता है ना, तो यहाँ पे हमारे बच्चों की भी मिल जाएगी। ओ ये प्लेन भी कितनी अच्छी है ना, स्पोर्ट्स वाली, लेकिन खैर हमारे स्कूल की नहीं होगी ना। यूनिफॉर्म्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे, और इसी वजह से तेहामी को ना मैंने ज़रा थोड़ा सा डांटा भी था कि बेटा अब क्यों घुमा के आ गए हो। जस्ट ये एक प्लेन सी जैकेट है और ये 120 दिरहम्स की है, मतलब 120 दिरहम्स का मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं आपको बताऊँ ना तो तकरीबन आई थिंक 7 से 8 हज़ार के दरमियान एक जस्ट जैकेट। तो इसी तरह इनकी पैंट्स, इसी तरह इनकी शर्ट्स होती हैं, मतलब आपका 50 से 60 हज़ार रुपया एनुअल यूनिफॉर्म्स पे लगता है। और तकरीबन 900 नहीं, कितने रिश्तेदार, कितने का इन दोनों का यूनिफॉर्म आया था यार? इसकी सिर्फ जैकेट जो है वो, नहीं जैकेट को छोड़ें, पूरे इनका यूनिफॉर्म कितने का आया था? 700-800 हाँ जी, 40-45 थाउजेंड रुपीज़ का इनका जो है वो यूनिफॉर्म आया था साल के स्टार्ट में। तो वो फिर यह है कि इसलिए इसको ज़रा थोड़ा सा झाड़ा था मैंने कि बेटा क्यों घुमा के आ गए हो, किसी और की भी तो नहीं उठा के लेके आ सकते कि इतनी जैकेट्स हैं सेल लगी है, चलो कोई से उठा के ले आओ, किसी और बच्चे की होगी वो। तो बाहर हाल अब आए हैं और जैकेट लेने लगे। ये सारे सैम्पल्स होते हैं, तो अभी हमें सैम्पल दिखाने लगे थे बट हमने कहा कि हमें साइज़ पता है तो जस्ट हमें न्यू निकाल के दे दें। यहाँ पे होगी पेमेंट, ये है जी, बस पेमेंट होती है फिर निकलते हैं, है ना, गिफ्ट मार्केट।